गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन एज वी आर डिस्कसिंग थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स हाउ वी कैन सॉल्व आर ट्रिकी क्वेश्चन थ्रू दीज ट्रिक्स विच आई मेड फॉर स्पेशली फॉर यू डियर स्टूडेंट्स एज टूडे वील डिस्कस दैट वॉट इज आर नाउन और हम लोग बात करेंगे वर्ब की अब मैं आपसे पूछूं नाउन क्या है तो आप लोग बात करें नाउन का मतलब केवल ए की बात ध्यान रखें नाउन मतलब नेम और वर्ब का मींस होता है केवल और केवल एक ही, ही चीज याद रखें आप लोग वर्क यह हम लोग बात कर सकते हैं एक्शन बात एक ही, ही है भाई नाउन बोल दो वर्ब बोल दो एक्शन बोल दो नाउन का मतलब है नेम और वर्ब का मतलब है वर्क और एक्शन आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नाउन और वर्ब दोनों को एक साथ इसलिए लेकर के आया हूं दोनों में हम लोग यूज करते हैं एस का ई एस का और आई ई एस का देखिए आप लोग दोनों में हम लोग यूज करेंगे एस का ई एस का और आई ई एस का ध्यान रखें कि अगर कोई भी नाउन हो चाहे वो हो वर्ब उसका लास्ट वर्ड है भाई क्या लास्ट वर्ड हम लोगों के पास में आ रहा है लास्ट वर्ड आ रहा है ओ एक्स एस 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 एच जेड और सी एच तो हम लोग वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ई एस जोड़ देंगे चाहे वो नाउन हो चाहे वो वर्ब हो इससे कोई मैटर नहीं है लेकिन अगर हम लोगों के पास में वाई आ रहा है तो वाई में कई बार तो हम लोग आई ई एस जोड़ते हैं और कई बार केवल एस जोड़ देते हैं तो हम लोग केवल एस कब जोड़ेंगे जब ए आई ओ यू आ रहा है मीन्स बात करें हम लोग इनके पहले का जो लेटर है वो लेटर आ रहा है इसके जस्ट पहले आ रहा है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे भाई केवल और केवल एस जोड़ देते हैं जैसे देखिए गो है यहां पर बात करें हम लोग देखिए जो वर्ब है इसके जो लास्ट में जो वर्ड होंगे वो लेकर के आएंगे ना नी ने ये अर्थ लेकर के आएंगे ये ध्यान रखेंगे हम लोग गो गो का मतलब होता है जाना और जाना मतलब क्या है गोज क्या आ गया लास्ट में ओ क्या लगा दिया ई एस एड्रेस पता बताना क्या हो जाएगा एड्रेस सेज हो जाएगा क्या हो जाएगा एड्रेस सेज हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि क्या आ गया लास्ट में डबल एस डबल एस के आते ही हम लोग क्या लगाएंगे ई एस देखिए क्या आ गया बैच बैच का मीन्स बैच की बात करें हम लोग तो बैचेस ठीक है ना ओके बज वर्ड है डबल जेड आ रहा है तो डबल जेड ई एस सी एच आ रहा है रीच क्या हो गया रीचेज फिक्स है तो क्या कर देंगे हम लोग बातें आपको समझ में आई होंगी यहां पर बात करें हम लोग बॉस ये नाउन आ गए सारे बॉस का प्लूरल बनाया हम लोगों ने क्या अब आप लोग एक बात और समझें कि दोनों में एस या ई एस लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं एस ई एस और आई ई एस आराम से देखें आप लोग क्या लगा रहे हैं भाई हम लोग एस ई e, एस और आई ई एस आराम से समझे अगर हम लोग कोई भी नाउन में जब ये कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का जो नाउन होगा वो तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा जबकि हम लोगों का जो वर्ब होगा जिसमें हम लोग एस ई एस लगाएंगे वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा ये बातें ध्यान रखेंगे हम लोग तो ये क्या है ये तो हम लोगों के पास में प्लूरल फॉर्म में था और ये कौन सी फॉर्म में भाई ये है सिंगुलर फॉर्म में ऐसे अगर हम लोग इधर जाएं तो नाउन में अगर जोड़ते हैं तो नाउन तो हम लोगों के पास में कैसा है ये सिंगुलर और ये कैसा है भाई प्लूरल कैसा है प्लूरल बॉस बॉसेस बॉक्स बॉक्सेस वॉच सी एच आ गया ई एस विश विशेज फॉक्स फॉक्सेस हीरो ओ आ गया ई एस जोड़ दिया टोमेटो टोमेटोज ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं वाई और वाई है लेकिन इनके पहले वाई के पहले क्या आ रहा है भाई ए ई आई ओ यू मतलब कि क्या आ गया, गया भाई कोई भी वोवल लेटर आ रहा है ठीक है ना जैसे कि वाई देखिए वाई देखिए क्या आ गया ठीक है क्या आ गया ठीक है, है, है केवल और केवल एस जोड़ देंगे क्या जोड़ेंगे भाई एस जोड़ेंगे तो क्या हो गया डे दे का डेज की का कीज अब देखिए सिटी वाई अब वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है क्या है और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है भाई व्यंजन क्या होता है व्यंजन ठीक है ना ओके तो हम लोग क्या करेंगे वाई को हटाएंगे और इसकी जगह पर आई एस -E जोड़ देते हैं ठीक है जैसे है बेबी अब वाई के पहले ए -E तो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे वाई को भी रिमूव करेंगे और आई ई एस जोड़ देते हैं ठीक है ऐसी बात करें वाई ए आई ओ और बी जैसे कि है क्राई क्या कर दिया क्राइज ठीक है ओके आई ई एस जोड़ दिया है फ्लाई क्या कर दिया फाइज नहीं है फ्लाइज है भैया राइट कर लेंगे इसको फ्लाइज इस तरीके से हो जाएगा ठीक है ना अब देखिए जैसे ट्राई है तो क्या कर दिया ट्राइज एंजॉय है तो क्या कर दिया एंजॉयज देखिए ये सारे जो पार्ट थे ये सारे थे हम लोगों के किसके भाई वर्ब के ये सारे पार्ट हम लोगों के पास में जो है वो किसके हैं भाई नाउन के तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए एक बात और ध्यान रखेंगे अगर कोई भी वर्ब में अगर हम लोग एस ई एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल से सिंग, आ, सिंगुलर से मीन्स अगर किसी वर्ब में अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वर्ब प्लूरल से सिंगुलर होगा जबकि नाउन जो होगा वो सिंगुलर से प्लूरल की फॉर्म में आ जाएगा एस ई एस आई ई एस लगने के बाद में डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में